अपोलो मेडिक्स लखनऊ में की गई यूपी की पहली और देश की पांचवी रीनल डिनोवेशन थेरेपी अल्ट्रा मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी के जरिए मरीजों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए अपोलो मेडिक्स अस्पताल लखनऊ के डॉक्टरों ने असाधारण थेरेपी से कई वर्षों से रेजिस्टेंट हाई बीपी के 60 वर्षीय मरीज का इलाज किया। ये देश में पांचवी और उत्तर प्रदेश में पहली रीनल डिनोवेशन थेरेपी है जिसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि रीनल डिनोवेशन थेरेपी उन लोगों के लिए उच्च रक्तचाप का इलाज एक आधुनिक विकल्प है जो आमतौर पर हर दिन 4-5 तरह की दवाएं लेते हैं लेकिन फिर भी उच्च रक्तचाप से राहत नहीं मिलती। इस मामले में 60 वर्षीय मरीज ने 16 जुलाई को अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौतम स्वरूप से संपर्क कर सलाह ली थी। रीनल डिनोवेशन थेरेपी एक छोटे से छेद के साथ की जाने वाली एक प्रक्रिया है जहाँ कैथेटर को रक्त वाहिका के अंदर गुर्दे और रक्त वाहिकाओं के आसपास की नसों तक पहुंचाया जाता है। फिर कैथेटर का उपयोग करके गुर्दे की नसों को ऊष्मा पहुंचाई जाती है जिससे रक्तचाप के स्तर में कमी आती है और गुर्दे पर दबाव कम हो जाता है। डॉक्टर गौतम स्वरूप ने बताया कि रीनल डिनोवेशन थेरेपी 30 मिनट की एक प्रक्रिया है जो प्रतिरोधों उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। थेरेपी डायलिसिस या किडनी विफलता ऐसी स्थितियों को रोक सकती है जो लगातार उच्च रक्तचाप के चलते पैदा होती हैं। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में मौत का एक प्रमुख कारण है जिसे रोका जा सकता है। हाई बीपी के दिल का दौरा स्ट्रोक हाई फेलियर या गुर्दे की बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। किस तरीके के मरीजों में हम इस थेरेपी को उपयोग कर सकते हैं तो इसके लिए 3 या 4 जो है वो पेशेंट्स को हम लोग को बनाया गया। एक पेशेंट वो जो बहुत यंग एज का पेशेंट है जो ज़्यादातर ट्रैवल करता है या वो चाहता है कि मैं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ना उपयोग करूँ, ऐसे मरीजों में भी हम इस थेरेपी का यूज़ करके उनकी ब्लड प्रेशर की दवा को बंद कर सकते हैं। ये एक शुरुआती दौर की बात है और यदि कोई ऐसा पेशेंट चाहता है कि मैं दवा ना लूँ, शुरुआती स्टेज में ही मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो एक ऐसे पेशेंट को हम बेनिफिट दे सकते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट है जिसमें हमने दवाइयाँ दी और दवाइयाँ देने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स डेवलप हो गए और वो पेशेंट उस दवा को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है कि हम उसकी कोई दूसरी दवा दें। हमने 2-3 दवाइयाँ भी ट्राई करी, उन 2-3 दवाइयों से उसको टॉलरेंस उसकी नहीं हो पा रही है, तो जो ड्रग इनटॉलरेंट पेशेंट है उसमें भी थेरेपी को हम लोग दे। तीसरे ऐसे सबसेट हैं जो जिनको हम 4 दवाइयाँ दे रहे हैं और 4 दवाइयों को लेने के बावजूद भी उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, या उनको 3 बार या 4 बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और उनका टूरिंग का जॉब है, कोई ऐसा जॉब है जिससे वो अपनी डोज को बार बार मिस कर रहे हैं, सही समय पर दवा नहीं खा पाते हैं जिससे उनके ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएलिटी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे मरीज में भी हम ऐसी थेरेपी को दे सकते हैं कि जिससे उनकी दवाइयाँ 4 से 2 हो जाएं ताकि वो उन दवाइयों को कम से कम नियंत्रित समय में और सही टाइम पे खाएं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। चौथा और सबसे जो लास्ट सबसेट है वो ये है, ऐसे मरीज जिनको हम लोग अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि दवाइयाँ देने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है और उनकी किडनी पर असर आने लगा है, उनका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा है, ऐसे मरीजों को भी अगर हम ऐसी थेरेपी को दें तो ऐसी थेरेपी को देने से हम उनके ब्लड प्रेशर को काबू कर सकते हैं। तो ऐसे 4 मरीजों में हम इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थेरेपी डी कैसे जाती है और कितना समय लगता है? अब ये थेरेपी एक जो है वो तार के द्वारा की जाने वाली थेरेपी है, इसमें किसी भी पेशेंट को कोई बेहोशी नहीं की जाती, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, यह केवल एक परक्यूटेनियस थेरेपी है या तार से दी जाने वाली थेरेपी है। इसमें हम लोग किडनी की जो नस आर्टरीज होती हैं, रीनल आर्टरी जो किडनी की 2 आर्टरी होती हैं और उसकी जो ब्रांचेज होती हैं उनको हम लोग पहले उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, इसको हम लोग रीनल एंजियोग्राफी करते हैं, वहाँ हम उस उनकी नसों को मैप करते हैं कि कौन कौन सी आर्टरी और उसके ब्रांचेज में हम लोग वो थेरेपी देंगे जिससे वहाँ की ऊपर जो नस जा रही है वो डीएक्टिवेट है, तो वो हम लोग उसकी किडनी की एंजियोग्राफी से मैपिंग करते हैं और मैपिंग के बाद एक नया कैथेटर आ गया है जिसको सिंप्लिसिटी फ्री स्पाइरल कैथेटर कहते हैं, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो 4 मैपिंग एरिया पे जाके वो हीट जनरेट करते हैं, हीट जनरेट कर वो हम लोग बाहर से एक मशीन के थ्रू उस एरिया में हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो रीनल आर्टरी जो होती है उसके ऊपर जो एपरेंट नर्व्स होती है रीनल नर्व्स वो डीएक्टिवेट हो जाती है, उनके डीएक्टिवेट होने से जो ब्लड प्रेशर पे बढ़ने का रिस्पॉन्स है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जो प्रक्रिया तुरंत नहीं होती लेकिन
दो से तीन हफ्ते बाद ये शुरू होती है और ये देखा गया है कि अगले 6 महीने के अंदर उस मरीज का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होने लगता है, दवाइयों की डोजेस कम होने लगती हैं, किडनी पे होने वाला असर कम होने लगता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ 30 मिनट का समय, और सबसे अच्छी बात है कि इस मरीज इस प्रक्रिया के किसी भी प्रकार के कोई दुष्परिणाम नहीं सामने आए हैं और हम लोग अगले ही दिन वो मरीज की छुट्टी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, थेरेपी कितने समय तक काम करती है? क्या लाइफ में 2-3 बार थेरेपी लेनी पड़ेगी या एक बार थेरेपी से फिर दवा बंद हो जाएगी? ये एक बार ही दी जाने वाली थेरेपी है और ये थेरेपी जब हम बाहर से मॉनिटर करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी देख के, तो हम लोग को बता देती है कि क्या हमने उस जगह को सक्सेसफुली हीट से एब्लेट किया है या नहीं किया है। जब हम इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि हम चारों इलेक्ट्रोड्स ने वो एनर्जी देके और उसको रीजनल नर्व को डीएक्टिवेट कर दिया है, तब हम इस प्रोसीजर को फिनिश। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।